बाड़मेर में पिछले कई दिनों से चल रही भयंकर बारिश के कारण कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए और कई गांवों को जोड़ने वाली संपर्क सड़कें पूरी तरह से नदी में बह गईं, जिसकी वजह से जनजीवन पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। वहीं जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नागते पूरी टीम के साथ बचाव कार्य में जुटे हैं। आज कलेक्टर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे, वहां गाड़ी से जाने के लिए रास्ता नहीं था तो कलेक्टर ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों के पास पहुंचे और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वहीं दूसरी ओर बाड़मेर में आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सफी खान समा ने आज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि तामलियार गांव में पिछले 28 दिन से भयंकर बारिश की वजह से गांव में गरीब परिवारों के मकान उजड़ गए हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, परंतु अभी तक एक भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उन्होंने कलेक्टर से मांग करते हुए कहा कि वह तुरंत इस पर कार्यवाही करें। सफी खान समा अल्पसंख्यक प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बीजेपी। आज बारिश के कम 28 दिन हो गए लगातार बारिश बाड़मेर जिले में बस रही है। कई सारे बाड़मेर जिले में गांव पानी की चपेट में आए हुए, कई मृत्यु हो चुके, कई जानी नुकसान, कई मतलब माली नुकसान हो गया। हमारी ग्राम पंचायत तामलियार के अंदर जो कच्चे झोंपड़े थे वो सारे बारिश लगातार आने से कच्चे झोंपड़े ढह गए, गरीब लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। उसी समय जिला कलेक्टर ने प्रशासन को हाईलाइट कर रखा है, बाकी प्रशासन कोई हमारे गांव के अंदर कोई पूछने नहीं आया कि क्या आपका नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ है। हमारे यहाँ अभी मौजूद में पटवारी भी नहीं है, ग्राम सेक्रेटरी नहीं है, बाकी हमने इधर उधर जाके गांव वालों की इधर हाल हकीकत लिए। बाड़मेर रोड संपर्क से रोड लेके छोटन रोड संपर्क तक रोड पूरा चूरा चूर हुआ, कोई इमरजेंसी गाड़ी निकलना हो तो हालत खराब है, रोडों पे खड़े है, कोई काम नहीं हो रहा है। और हमारी अपील है जिला कलेक्टर साहब से कि ये जल्द से जल्द हमारे ग्रामीण लोगों का काम होना चाहिए और ग्राम पंचायत तामलियार पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देवे। यहाँ पर रास्तों की बहुत तकलीफ है, गरीब लोगों की हालत खराब है, झोंपड़े पानी में ढह गए हैं और इनको मुआवजा जो भी हो सरकार की तरफ से जो मदद हो वो मदद मिले। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से जिला कलेक्टर साहब बात करें और गरीबों के लिए मुआवजे के लिए बात करें। जय हिंद, जय भारत।